नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका स्पोर्ट्स में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अरिहंत फ्रेंडशिप कप के मैच के बारे में। यह टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा चल रहा है और ये 50 ओवर्स का टूर्नामेंट है। और आज का जो मैच था वो यंग फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब और टेलीफंकन क्रिकेट क्लब के बीच में था। दोनों ही बेहतरीन टीमें हैं दिल्ली की। इसमें टॉस जीतकर यंग फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 272 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। हालांकि यंग फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, उसमें अक्षय सैनी ने 96 रन की पारी खेली और शौर्य सरन ने 52 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद बल्लेबाज कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए। सिर्फ आर्यन कपूर ने मिडल ऑर्डर में 39 रन की एक पारी खेली। ये स्कोर और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन इसका श्रेय कुछ हद तक जाता है टेलीफंकन क्लब के गेंदबाजों को और तुषार भैरवान को। टेलीफंकन क्लब की तरफ से गेंदबाजी करते हुए 3 विकेटें मिली 32 रन देकर 8 ओवर में। इस टारगेट को चेस करने उतरी टेलीफंकन क्लब की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसके ओपनर शोभित सिंह और सौरभ देशवाल दोनों ने ही पारी को अच्छी शुरुआत दी। शोभित ने 51 रन बनाए और सौरभ ने 41 रन बनाए। दोनों ओपनर्स के आउट होने के बाद पीयूष मित्तल और भरत सिंधवानी ने गेम को संभाला और अपनी टीम को जीत की ओर ले गए। पीयूष मित्तल हालांकि 66 रन पर आउट हो गए, लेकिन भरत सिंधवानी ने बेहतरीन 80 रन की नाबाद पारी खेली और अपनी टीम को जीत तक पहुंचाया। इस तरह से इस मैच को टेलीफंकन क्रिकेट क्लब की टीम ने 45.1 ओवर में 273 बनाकर जीत लिया 6 विकेटों से। इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे भरत सिंधवानी और प्लेयर ऑफ द मैच मिला अक्षय सैनी को। ये तो रहा मैच की बात। आइए अब आपको सुनाते हैं टेलीफंकन क्रिकेट क्लब की टीम के जाने माने कोच मदन जी ने क्या कहा इस टूर्नामेंट के बारे में। हम यहाँ आज टूर्नामेंट खेलने आए हैं क्रिकेट क्लब में। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है अभिषेक जी ने, जो सीजन स्टार्ट होने से पहले बच्चों को वाइट बॉल क्रिकेट एक अच्छा टूर्नामेंट करा रहे हैं। 50 ओवर गेम दे रहे हैं बच्चों को। स्पेशलिटी है कि भाई वाइट बॉल है, बच्चों को अच्छा लंच दे रहे हैं। और खास तौर से मैं जो टीमें अब देख रहा हूँ इसके अंदर, ज़्यादातर वो लड़के हैं जो ट्रायल्स में हिस्सा लेने वाले हैं, दिल्ली के चाहे रणजी ट्रॉफी हो चाहे अंडर 23 हो। उससे पहले एक ऐसे मैचेस मिल जाए बच्चे को, इससे बड़ी बात नहीं है। और 4 मैचेस दे रहे हैं और बड़े नॉमिनल एंट्री फीस है जो हर क्लब आराम से पे कर सकता है। और बच्चों के लिए भी एक बड़ा अच्छा है, परफॉर्मेंस करने के लिए बड़ा अच्छा स्टेज है। अभी जैसे युगल सैनी ने, जो लड़के ने जो अभी रन बनाए हैं 2 मैचों में, बड़े अच्छे 2 लंबे 100 बनाए हैं उसने, ऑलमोस्ट 200 के आसपास रन बनाए दोनों मैचों में, 200। और बच्चे भी जो दूसरे क्लब्स के हैं सबने अच्छा परफॉर्म किया है। हमारा भी आज मैच चल रहा है, अच्छा मैच चल रहा है। हम भी 273 रन चेस कर रहे हैं और यही हम 40 ओवर गेम खेलते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि 220 25 30 जितना लंबा मैच खेलेंगे उतना बच्चों को अच्छा एक्सपोजर मिलता है। कुछ हम अपने जो स्टेट प्लेयर हैं उनको मौका दे रहे हैं, कुछ जो न्यू कमर बच्चे उनको मौका दे रहे हैं, क्योंकि एंट्री फीस बड़ी नॉमिनल है, हम आराम से इसको पे कर पाते हैं सब बच्चों से ना जैसे होता है। तो बाकी टूर्नामेंट के लिहाज से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें रेडियो द्वारका स्पोर्ट्स के साथ।